शाहिद कपूर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट जर्सी में काफी ज्यादा बिजी है। शाहिद कंटिन्यू फिल्म की शूटिंग और फिल्म के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर फिल्म के सेट पर शाहिद के साथ एक चौंका देने वाला हादसा हो गया है। आप भी देखिए कि आखिर शाहिद के साथ हुआ क्या है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर इन दिनों जर्सी फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। मूवी में शाहिद क्रिकेटर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में शूटिंग के सेट से एक सैड न्यूज आई है। मूवी की शूटिंग करते टाइम शाहिद को काफी चोट लग गई। वाइफ मीरा राजपूत संग शाहिद कपूर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान वे अपना चेहरा ढके हुए नजर आए। दरअसल शाहिद जब क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके होंठ के पास चोट लग गई थी। इसके बाद उन्हें 13 टाके लगे हैं। सोशल मीडिया पर शाहिद ने अपने फैंस को खुद ये न्यूज दी। ट्वीट कर शाहिद ने कहा, मेरी इतनी चिंता करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हाँ, मुझे कुछ टाके लगे हैं और मैं जल्दी रिकवर कर रहा हूँ। जर्सी ने मेरा थोड़ा खून ले लिया है, मगर जितनी अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट है उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। ये फिल्म मेरा खून डिजर्व करती है। जर्सी की बात करें तो इस टाइटल के साथ रिलीज हुई तेलुगु फिल्म का रीमेक है। फिल्म के हिंदी वर्जन का निर्देशन गौतम तिन्नानूरी ने किया है। गौतम ने ही तेलुगु वर्जन भी डायरेक्ट किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।